शर्मा और आप देख रहे हैं महुआ प्लस पे अपन विशेष कार्यक्रम ग्रहण के चाल भाग्य कहाल। एक कार्यक्रम में हर दिन के पंचांग बतावे के साथ साथ हम आपके बताएंगे 12 राशि के हाल और उकरे साथ साथ दिन के शुभ बनावे खातिर हर राशि वाला जातक लोगन के का करे के चाहिए और का ना करे के चाहिए। एक साथ साथ कार्यक्रम में होले 4 विशेष उपाय जे उपाय के जान करके आप अपने जीवन में व्याप्त दुख और कष्ट से मुक्ति पा सकेले। तो दर्शक लोग इस समय बाद कार्यक्रम के आगे बढ़ावे के और जाने के आज के पंचांग। आज के पंचांग बा विक्रम संवत 2072 मास चल रहा बा फागुन के और फागुन मास के शुक्ल पक्ष के आज नवमी तिथि बाद गुरुवार के दिन बा नक्षत्र बन रहा बा आद्रा, योग बन रहा बा सौभाग्य और करण बन रहा बा कौलव। आज के दिनचर्या में राहु काल बाद दिन में 1:38 से आरंभ होकर के 3:08 तक यानी आज के दिनचर्या के कोई भी शुभ विशेष कार्य दिन में 1:38 से लेकर के दिन में 3:08 तक न करे के चाहिए। और यदि कोनो विशेष और शुभ कार्य आज कर ही के होके तो आप 9:10 से लेकर के दिन में 10:40 के मध्य यदि आप कार्य के आरंभ करिए तो कार्य सफल भी हुई और आपके लाभ भी ज्यादा मिली। ये जो समय बा 9:10 से दिन में 10:40 तक का समय एक गुलिक काल कहल जाले और गुलिक काल जो बा बहुत शुभ मुहूर्त मानल गई बा। तई तो बात रहे आज के पंचांग के। अब समय बा जानकारी करे के आज के राशिफल। तो सबसे पहला राशि मेष राशि। मेष राशि वाले जातक लोग आज के दिनचर्या में भूमि भवन के विषय के क्रय विक्रय से लाभ प्राप्त कर सकेले यानी भवन भूमि इत्यादि के आप खरीद के बेच करके आपके लाभ मिले ऐसा स्थिति बन रहल बा। वाहन इत्यादि के सुख प्राप्त करे के आज उत्तम योग दिख रहल बा आपके खातिर। और जिन लोगन के स्वास्थ्य बहुत समय से प्रभावित रहे आज इनके स्वास्थ्य लाभ भी मिले, स्वास्थ्य सुख के भी योग बड़ा उत्तम बन रहल बा। कुल मिलाकर के मेष राशि वाले जातक लोगन खातिर आज के दिन बहुत अच्छा दिन बा। आज के दिन के शुभ बनावे खातिर ओम सर्व सिद्धि प्रदायकाय नमः मंत्र के 108 बार जाप अवश्य कर लेवे के चाहिए। आपके घर आवल भयल व्यक्ति के कोई अगर आपके घर अतिथि आवे आगंतुक आवे तो उके आप खाली हाथ विदा न करी, ये बात के आपके आज ध्यान रखे के बा। आपके खातिर शुभ रंग बन रहा बा काला और शुभ अंक बन रहा बा दुई। अब बारी बा वृषभ राशि के। वृषभ राशि वाले जातक लोगन के लिए आज के दिनचर्या में आप अपन प्रतियोगी लोगन के परास्त करत भयल अपन आर्थिक स्थिति के प्रबल कर पाई है ऐसा स्थिति बन रहल बा। और उकरे साथे साथे धन संचय के बहुत अच्छा योग बा। निवेश के खातिर आपके बहुत ज्यादा जल्दीबाजी आज न करे के चाहिए, सोच समझ करके निर्णय करी तो आपके लाभ मिली। आज के दिन के शुभ बनावे खातिर ओम सर्वात्मकाय नमः मंत्र के 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम रही। मांसाहार के सेवन प्रयोग से आपके बचे के बा। आपके खातिर शुभ रंग बन रहल बा भूरा और शुभ अंक बन रहल बा 5। तई तो बात रहे वृषभ राशि के। अब बारी आ गई बा मिथुन राशि के हाल जाने के। मिथुन राशि वाले जातक लोगन के लिए आज के दिनचर्या में आपन व्यय पर यानी आपन खर्चा पर नियंत्रण रखना आपके बहुत अच्छा लाभ दे सकेले। एकरे माध्यम से आप आपन आर्थिक स्थिति में कहीं ना कहीं से जरूर मजबूती कर पाई है, धन संचय कर पावे के स्थिति बहुत अच्छा बन रहल बा। और यदि कहीं कोई कर्ज ऋण आप ले होके तो आज के दिन कर्जा उतारे खातिर बहुत उत्तम अवसर बा। आज यदि आप प्रयास करें तो कर्जा बहुत आसानी से उतर सकेले। आज के दिन के शुभ बनावे खातिर ओम साम घोष प्रियाय नमः मंत्र के 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम रही। आज के दिनचर्या में ऐसा कोई भी काम न करें जिससे बड़ा बुजुर्ग लोगन के दिल के उनके भावना के ठेस पहुंचे। आपके खातिर शुभ रंग बन रहल बा नीला
और शुभ अंक बन रहा बा एक। तई तो बात रहे पहला तीन राशि के। अब कार्यक्रम में समय बा जानकारी करे के आज के पहला उपाय। ये जो पहला उपाय बा बड़ा लाभकारी है, चमत्कारी बा हर व्यक्ति खातिर। ये चमत्कारी चौपाई हम आपके बतावे जाते हैं आलस्य मुक्ति खातिर। अगर कोई व्यक्ति 24 घंटा आलस्य में घिरल बा, आलस्य के चलते होकर काम में मन ना लग पावत बा, तो ये चौपाई रामचरितमानस के चौपाई के जाप आपके जरूर करे के चाहिए, आपके बहुत अच्छा लाभ मिली। ये चौपाई ये प्रकार बा, हनुमान तेहि पर साकर पुनि कीन्हि प्रणाम, राम काज की जय बिना मोहि कहाँ विश्राम। एक बार पुनः सुन ले, हनुमान तेहि परसाकर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्ह बिनु मोहि कहाँ विश्राम। इस चौपाई के जाप करे से कोई भी व्यक्ति के अंदर कोई भी कारण से अगर आलस्य घर कर गई बा, तो आलस्य के मुक्ति खातिर इस चौपाई बहुत ज्यादा प्रभावशाली और बहुत चमत्कारी मानल गई बा। इस चौपाई के आप जाप करें, खासतौर पर विद्यार्थी वर्ग अगर पाठ करे जिनकर आलस्य के चलते पढ़ाई खराब हो रहा बा, उनके बहुत अच्छा लाभ मिली। तो दर्शक लोग ही तो बात रहे पहला तीन राशि के साथ साथ आज के एगो विशेष उपाय के। कार्यक्रम में अभी समय बाय को छोटा से ब्रेक के, ब्रेक के उपार हम आपके बताए बाकी बचल 6 राशि के हाल और उकरे साथ साथ दूगो और बहुत विशेष उपाय। तो आप बनल रही महुआ प्लस पे हमारे साथ और देखत रही ग्रहण के चाल भाग्य का हाल। नमस्कार, आपके पुनः स्वागत बा महुआ प्लस के विशेष कार्यक्रम ग्रहण के चाल भाग्य का हाल में। तो दर्शक लोग ही दूसरा सेगमेंट में अब आपके सबसे पहले हम जानकारी दे एगो और उपाय के। हम लोग पिछला काफी समय से बात कर रहा रही शरीर के अलग अलग हिस्सा पर तिल होए के फल के बारे में। आज हम लोग जानकारी करब कि यदि कोई व्यक्ति के हाथ पर तिल होए तो उसे का अर्थ समझे के चाहिए। जिन व्यक्ति लोगन के हाथ पर तिल होएला उन व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़े से यानी सफलता प्राप्त करे से उन्हें कोई ना रोक सकत। ऐसन लोगन के बहुत कर्मठ व्यक्ति मानल जाला और ऐसन मानल जाला, ऐसन उनकर भाग्य का लिखा होला कि वो व्यक्ति जो भी काम में कोनो भी काम में वो व्यक्ति अगर हाथ डाल दे, श्री गणेश कर दे, तो वो काम में उनके सफलता मिलना निश्चित हो, कोई भी परिस्थिति में कोई उनके परास्त ना कर सकत। तई तो बात रहे आज के दूसरे उपाय के। अब समय बाद जानकारी करे के कर्क सिंह और कन्या राशि के राशिफल के। तो सबसे पहले बात कर्क राशि के। कर्क राशि वाले जातक लोगन के लिए आज के दिनचर्या में थोड़ा सा आर्थिक कमी यानी धन के कमी का अनुभव आप कर सकेले। धन संचय कर पाना इस समय में आपके खातिर कठिन रही। ऐसा परिस्थिति में आपके बहुत ज्यादा खर्चा और बहुत जल्दीबाजी में आकर के कहीं निवेश करना ठीक न रही, तो बहुत सोच समझ करके इस समय में धन का उपयोग करे के चाहिए। आज के दिनचर्या के शुभ बनावे खातिर ओम सिद्धार्जित पादाम बुझाए नमः मंत्र के 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम रही। वाणी पर नियंत्रण कोई भी परिस्थिति में आपके न खोए के चाहिए। आपके खातिर शुभ रंग बन रहल बा लाल और शुभ अंक बन रहल बा चार। अब बारी सिंह राशि के। सिंह राशि वाले जातक लोगन के लिए आज के दिनचर्या में आपके शत्रु आप पर हावी होए का प्रयास कर सकेले। आपके बनल कार्य के भी प्रभावित करे के प्रयास निरंतर आपके शत्रु पक्ष के तरफ से जारी रही। अपने शत्रु लोगन पर थोड़ा सा प्रभाव और नियंत्रण यदि बनावे के प्रयास करल जाए तो आज आपके लाभ ज्यादा मिल सकेले। आज के दिनचर्या के शुभ बनावे खातिर ओम सिद्धिदायकाय नमः मंत्र के 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम रही। धन का बहुत ज्यादा व्यय करे से बचे के बा। आपके खातिर शुभ रंग बन रहल बा पीला और शुभ अंक बन रहल बा छह। अब बारी कन्या राशि के। कन्या राशि वाले जातक लोगन के लिए आज के दिनचर्या में ऐसा स्थिति भी आई कि आपके लोग कई तरीके का योजना, कई तरीके के प्रस्ताव समझिए, कहीं आपके पैसा लगावे के पड़ी, लेकिन आपके ध्यान ही रखे के बा कि जितना भी प्रस्ताव आपके समक्ष आ रहल बा और जौन भी आपके लोग लाभ के आंकड़ा समझावत होके, इमें कुछ योजना ऐसा बा जिमें आपके बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकेले। तो सोच समझ करके परिवार के वरिष्ठ लोगन के सुझाव सलाह मशवरा लेकर के ही आपके निवेश करे के चाहिए। कोनो पुरान जो योजना रहे, रुक गयल रहे, बाधित हो गयल रहे, अगर आज ओके आप थोड़ा सा क्रियान्वित करे का प्रयास करिए, थोड़ा सा ओके गति दिए, तो आपके वो बहुत अच्छा लाभ दे सकेले। आज के दिनचर्या के शुभ बनावे खातिर ओम सिद्धार्जित पादाम बुझाए नमः मंत्र के 108 बार जाप कर लेना आपके लिए भी बहुत विशेष और शुभ रही। निवेश करे में आप बहुत जल्दीबाजी न दिखावे। आपके खातिर शुभ रंग बन रहल बा केसरिया और शुभ अंक बन रहल बा तीन।
सही तो बात रहे अगला तीन राशि के। अब बारी बा कार्यक्रम में आज के तीसरा उपाय जाने के, जेके हम लोग कहल जला वास्तु उपाय। आज हम आपके एक ऐसा बात बतावे जाती है जेकर जानकारी रखना हर व्यक्ति खातिर बहुत आवश्यक बा। आप अक्सर देखले हुई है कि लोग अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में ही भोजन पानी इत्यादि नाश्ता पानी करें ले। शयन कक्ष में भोजन करना और शयन कक्ष में जूठा बर्तन रखना, अगर आप ऐसा आदत रख ले तो ये आदत आपके बदल देवे के चाहिए। ऐसा करे से घर के महिला लोगन के स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ेला और व्यक्ति के परिवार में निरंतर कलह क्लेश के स्थिति रहले और ओकरे साथ साथ परिवार में सुख चैन के कमी हो जाना। वो कमरा में, वो सैया पर, वो बिस्तर पर शयन करे वाले व्यक्ति के नींद न आवे के समस्या जो उन बात सबसे ज्यादा आम समस्या बात, सबसे ज्यादा देखल गयल समस्या बात। तो अगर आप अपने कमरा में, अपने बिस्तर पर भोजन इत्यादि के सिस्टम रख ले, नियम रख ले, तो नियम या आदत आपके तत्काल प्रभाव से बदल देवे के चाहिए। सही तो बात रहे आज के वास्तु उपाय के। अब समय बाद जाने के तुला वृश्चिक धनु राशि वाले लोगन के लिए आज का दिन का कह रहल बा। तो सबसे पहले तुला राशि, तुला राशि वाले जातक लोग पिछला काफी समय से कर्ज प्राप्ति खातिर, ऋण प्राप्ति खातिर प्रयासरत रहे, तो आज उनके ऐसा लगत बा कि ऋण प्राप्ति हो जाए से धन संबंधित जो भी आपके काम रुकल रहे, योजना रुकल रहे, वो पूरा हो जाए। आर्थिक सहायता प्राप्त होए से कई सारा कार्य सिद्ध होई, परंतु जो आप कर्ज ले ले हैं, जो पैसा आप ले ले हैं, आपके मन के भाव ऐसा रखे के चाहिए कि आप सही समय पर, निश्चित समय पर वो पैसा वापस कर दें, यानी कर्जा चुका दें। आज के दिन के शुभ बनावे खातिर ओम सौम्याय नमः मंत्र के 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम रही। शेयर बाजार में निवेश करे से आपके बचे के चाहिए। आपके खातिर शुभ रंग बन रहल बा गुलाबी और शुभ अंक बन रहल बा सात। अब बारी बा वृश्चिक राशि के। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगन के लिए विदेश स्थान से लाभ प्राप्ति के योग आपके खातिर बन रहल बा। जे लोग आयात निर्यात यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ल व्यापार करेले, ऐसे व्यापारी बंधु लोगन के लिए बहुत अच्छा लाभ के योग बा। नौकरी पेशा लोगन के लिए भी ये अच्छा समय कहल जा सकेले। आज के दिनचर्या के शुभ बनावे खातिर ओम स्कंदक ग्रजाय नमः मंत्र के 108 बार जाप कर लेना आपके लिए शुभ रही। आज की तिथि में आप यदि यात्रा न करें तो आपके हित में रहे वाला बा। आपके खातिर शुभ रंग बन रहल बा सफेद और शुभ अंक बन रहल बा नौ। अब बारी बा जानकारी करे के धनु राशि के हाल। धनु राशि वाले जातक लोगन के लिए आज के दिनचर्या में आपके सामाजिकता में यानी आपके सोशल नेटवर्क में थोड़ा सा वृद्धि के संयोग बन रहल बा। ओकर लाभ आपके आवे वाले समय में मिली, जौन भी आपके नया संपर्क बनी कहीं ना कहीं से आपके आवे वाले समय में काम में लाभ दे जाए। आज के दिनचर्या में खाली बैठना आपके बिल्कुल भी न पसंद आई, आपका जोश, आपका ऊर्जा शक्ति देखत बनी आज। आज के दिन के शुभ बनावे खातिर ओम स्थूल कंठाय नमः मंत्र के 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम रही। आज के दिनचर्या में संपत्ति या उकरे अलावा अन्यत कहीं निवेश करे से आपके बचे के बा। आपके खातिर शुभ रंग बन रहल बा ग्रे और शुभ अंक बन रहल बा आठ। तो दर्शक लोग इतना बात रहे आज के बाकी छह राशि के हाल और उकरे साथ साथ दुगो और उपाय। अब कार्यक्रम में एगो और छोटा सा विराम लेवे के समय आ गई बा। ब्रेक के उपार हम आपके बताई बाकी बचल तीन राशि के हाल के साथ साथ आज के महा उपाय। तो महुआ प्लस पर अपन विशेष कार्यक्रम ग्रहण के चाल भाग्य का हाल देखत रही। हम बस गैली और हाजिर होली। नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत बा महुआ प्लस के विशेष कार्यक्रम ग्रहण के चाल भाग्य का हाल में। अब ये सेगमेंट में हम लोग चर्चा करब बाकी बचल तीन राशि के साथ साथ आज के महा उपाय। तो सबसे पहले मकर राशि। मकर राशि वाले जातक लोगन के लिए आज के दिनचर्या में परिश्रम के उपरांत सफलता संभव हो। कोई बहुत बड़ा कार्य आज आप कर सकेले यदि आप आलस्य के त्याग दें। तो आलस्य के त्याग करके अपने काम में यदि आप लगल जाए तो आज लाभ आपके बहुत अच्छा मिल सकेले। आज के दिनचर्या के शुभ बनावे खातिर ओम स्तुति हर्षिताय नमः मंत्र के 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम रही। व्यापार में साझेदारी करे से बचे के बा। आपके खातिर शुभ रंग बन रहल बा वॉयलेट और शुभ अंक बन रहल बा एक। अब बारी बा कुंभ राशि के। कुंभ राशि वाले जातक लोगन के लिए आज के दिनचर्या में आपके जिम्मेदारी में वृद्धि हुई और आपके कार्य के बोझ भी बढ़ जाए, ऐसी स्थिति बन रहल बा। जिम्मेदारी से आपके पीछे न हटे के चाहिए, मेहनत से अपना काम के आप अंजाम दें
सकता आपके बहुत अच्छा फायदा मिली। आज के दिनचर्या के शुभ बनावे खातिर ओम स्थूल तुंडाय नमः मंत्र के 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम रही। काले रंग के वस्त्र के प्रयोग से आपके आज बचे के बाद आपके खातिर शुभ रंग बन रहल बा स्मोकी और शुभ अंक बन रहल बा छह। अब बारी बा मीन राशि के हाल जाने के। मीन राशि वाले जातक लोगन के लिए आज के दिनचर्या में अत्यधिक जोखिम और वाद विवाद से व्यावसायिक क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकेले। तनाव के बचा करके कुछ सृजनात्मक कुछ रचनात्मक कार्य करें यदि आप तो आपके हित में बहुत उत्तम रही। आज के दिन के शुभ बनावे खातिर ओम स्वयं सिद्धाय नमः मंत्र के 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम रही। कोई भी व्यक्ति के निंदा करे से आपके बचे के चाहिए। आपके खातिर शुभ रंग बन रहल बा केसरिया और शुभ अंक बन रहल बा 3। तई तब बात रहे आज के 12 राशि के। अब कार्यक्रम में समय आ गई बा जानकारी करे के आज के महा उपाय के। आज के महा उपाय में हम लोग चर्चा करब कि कैसे आपका बिस्तर या आपके सोए के व्यवस्था पति पत्नी के संबंध के बीच में तनाव उत्पन्न कर सकेले। पति पत्नी के रिश्ता बड़ा महत्वपूर्ण बड़ा नाजुक संबंध होले। ये रिश्ता के डोर प्रेम और विश्वास पर टिकल होले। लेकिन कई बार आपके सोए के तरीका भी यानी शयन करे के तरीका भी पति पत्नी के बीच में विश्वास और प्रेम के कम कर सकेले। ये बात आपके सुने में थोड़ा सा आश्चर्यजनक तो जरूर लगत हुई लेकिन ये सत्य बा। और कई बार मतभेद यही कारण से इतना अधिक बढ़ जाले कि संबंध खराब होए तक संबंध टूटे तक के स्थिति आ जाले और व्यक्ति ओकरे पीछे का कारण समझ भी ना पावला कि आपस में कोनो वाद विवाद भैल नहीं कोनो लड़ाई झगड़ा भैल नहीं लेकिन स्थिति ऐसन काहे आ गई। वास्तु शास्त्र के अनुसार जब दंपति यानी पति पत्नी बेड पर दुई अलग अलग गद्दा पर सुती हैं सूते खातिन एके बेड पर दो अलग अलग गद्दा के प्रयोग करी हैं तो आपसी संबंध में तनाव के स्थिति आ जाले। वास्तु शास्त्र एकरे खातिन ही कहला कि बेड पर गद्दा एके होए के चाहिए। अगर आप अलग अलग डनलप का भी इस्तेमाल करते हैं तो बीच में ओके आप जोड़ लगा करके जो उन दुगो अलग अलग पीस रहे ओके एक कर देवल जाए तो ये दोष समाप्त हो जाए। बहुत छोटा सा उपाय बा लेकिन एकर प्रभाव और दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा बा। पति पत्नी का संबंध जौन बा बहुत मजबूती और प्रेम बनाए रखे खातिन आपके कभी भी अलग अलग बेड पर अलग अलग गद्दा पर न सूते के चाहिए। और आपके एक बात और ध्यान रखे के बा कि आपन बेड के व्यवस्था बिस्तर के ऐसे लगाई कि कबो बीम के नीचे न पड़े। जौन बीम होले जौन छत में बीम होले ओकर नीचे अगर आपकर बेड आवत बा तो आपके संबंध निश्चित तौर पर प्रभावित रही आपके स्वास्थ्य भी प्रभावित रही। बीम के अलावा जौन बा आपके ध्यान ही रखे के चाहिए कि कभी भी आपके बेड के सामने शीशा ना आवे यानी ड्रेसिंग टेबल आपके बेड के सामने ना आवे। जब भी आप सूतत हैं उठत हैं तो आपका चेहरा आपके शरीर जौन बा आपके बिस्तर जौन बा शीशा में न दिखाई दे। अगर आपके अपने कमरा में ड्रेसिंग टेबल रखही के बाद आप ओके ऐसा रखल जाए कि आपका बिस्तर में न दिखाई दे ये बहुत महत्वपूर्ण बात बा। तो आपके अगर ए हिसाब से अपना कमरा के अगर यदि आप सेटिंग कर ली है तो हम समझते हैं कि आपके बीच में पति पत्नी के बीच में जो भी तनाव की स्थिति बा उस तनाव की स्थिति से आपके मुक्ति मिल जाए। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और विश्वास बनाए रखे खातिर आप अपने गद्दा के नीचे दुगो बांसुरी लाल रिबन में लपेट करके यदि रख देवल जाए तब भी आपके फायदा मिली। यदि आपके बेड के ऊपर बीम आ रहल बा और आप ओकर कोई भी समाधान ना कर सकत हैं बेड हटावे के या कहीं और लगावे के व्यवस्था न बा तो ऐसे स्थिति में बीम में भी या तो आप विंड चाइम पवन घंटी टांग दें या लाल रिबन में लपेट करके दुगो बांसुरी आप अगर उनमें लगा दें तब वो ओकर दोष दूर हो जाए। तो दर्शक लोग इतना बात रहे आज के महा उपाय के। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न बा तो आप हमके अपने टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी आ रहल बा ईमेल आईडी बा grahan.chaal@gmail.com ए पर आप हमके अपन जन्म विवरण और प्रश्न के साथ ईमेल कर सकेली। और यदि आप हमके एसएमएस करे चाहे तो GBH कैपिटल में लिख करके एगो स्पेस दे और अपन जन्म विवरण के साथ आप हमके 5888 पर भेज सकेले। आपके प्रश्न के जवाब हम लोग अपने कार्यक्रम के माध्यम से अवश्य देव। और यदि कार्यक्रम से संबंधित कोई सुझाव आपके पास बात तो यह ईमेल आईडी और फोन नंबर पर आप हमके ईमेल या एसएमएस के माध्यम से भी आपन सुझाव प्रेषित कर सकेंगे। यही शुभकामना के साथ कि मां अन्नपूर्णा आपके कल्याण करें और आपके दिन शुभ रहे हमके आज्ञा दें और देखत रहें महुआ प्लस।
जय महाकाल। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रश्च शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति कर भवन्तु सर्वे ग्रह शांति कर भवन्तु सर्वे ग्रह शांति कर भवन्तु नवग्रह शनिश्चराय नमः ॐ ऐं ह्रीं